एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे सभी फेस करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये जो प्रॉब्लम है ये बिन बुलाए आ जाती है, हमें कोई आइडिया नहीं होता कि नेक्स्ट मॉर्निंग अब फेस पे पिंपल निकलेगा या नहीं। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ आज पिंपल्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप जो पिंपल्स फेस पे हो जाते हैं उनसे 2 से 3 दिनों के अंदर कैसे छुटकारा पा सकते हैं। 2 या 3 दिन, इससे ज़्यादा दिन आपको नहीं लगेंगे। मैं ये नहीं बोलने वाली हूँ कि ओवरनाइट रात में ही पिंपल ठीक हो जाएगा, एक दिन में ही पिंपल ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, पिंपल अगर होते हैं तो उसे 2 से 3 दिन ठीक होने में लगते ही लगते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी होम रेमेडी जिसकी हेल्प से विद इन 2 या 3 डेज आपके पिंपल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस, एक अगर आपको जो साउंड की प्रॉब्लम थी अगर वो सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कि साउंड ठीक है या साउंड नहीं आ रही है। प्लीज़ फीडबैक मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि अभी भी साउंड प्रॉब्लम है या नहीं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बता दीजिए कि साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, आपको साउंड आ रही है या नहीं। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो होम रेमेडी है, इसके लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें चाहिए फुलर्स अर्थ मुल्तानी मिट्टी, और सेकंड हमें चाहिए लेमन। सिर्फ 2 ही चीज़ें हमें चाहिए। इन्हीं की हेल्प से हमें एक पेस्ट तैयार करना है, उस पेस्ट को हमें अप्लाई करना है अपने पिंपल के ऊपर, जिससे कि आपका पिंपल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मुल्तानी मिट्टी। थोड़ी सी हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू कि अगर आपको कितने पिंपल पे लगानी है, कितने फेस पे लगानी है। मैंने स्पून पे थोड़ी सी ये मुल्तानी मिट्टी ले ली है। इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ लेमन। लेमन इतना ऐड कीजिएगा कि थोड़ा सा पेस्ट बन जाए, क्योंकि हमें इसे अप्लाई करना है पिंपल के ऊपर। जब ये हो गया है आपको इसे मिक्स करना है। जो आपके हाथ हैं वो क्लीन होने चाहिए, फेस क्लीन होना चाहिए। बस ये देखिए, आधा मैंने मिक्स कर लिया है। बस ये आपको मिक्स करना है और इसे हमें लगाना है पिंपल के ऊपर, जहाँ भी आपके पिंपल है वहाँ, उस पिंपल को आपको कवर करना है इस पेस्ट के साथ। थोड़ा सा बनाइएगा, एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट डे आप फिर से बना लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ आपको स्पून में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है और सेकेंड आपको थोड़ा सा लेमन लेना है। इसको लगाने के बाद थोड़ी सी इचिंग आपको हो सकती है पिंपल के ऊपर, पर वो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है, क्योंकि जो आपके इसमें लेमन है वो भी आपका जो पिंपल है उसे ड्राई करेगा, जो मुल्तानी मिट्टी है वो भी जो आपके पिंपल को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसे आपको दिन में 3 बार लगाना है। अगर आप वर्किंग है, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं इस पेस्ट को अपने पिंपल पर लगा लीजिएगा, हाफ एन आवर के बाद जब आप शावर लेंगे उसके बाद इसे धो लीजिएगा, बाकी आपका रूटीन वही चलेगा। रात को जब आप आएंगे वापस, अपने वर्किंग है अगर आप, तो रात को जब वापस आएंगे तो रात को इसे हाफ एन आवर के लिए लगा लीजिएगा। अगर छुट्टी का दिन है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो सुबह दिन को और शाम को 3 बार इसे लगाइएगा हाफ आवर के लिए। तो ये था मेरा वीडियो, और आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी ये बेस्ट वर्क करेगा। रात को पिंपल पे इसे लगा के सो जाइए, सुबह ये ड्राई होके वैसे ही निकल जाएगा, आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ गाइज, इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो पिंपल है, ये पिंपल को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आपके 2 से 3 दिनों में जो पिंपल है वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पिंपल हुआ था या नहीं। तो ट्राई आप लोगों को करना है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे। तो मैं आपको प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपके फेस पे पिंपल हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।